अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है बिल्डिंग मटेरियल रेट्स के बारे में। 1 जुलाई से बिल्डिंग मटेरियल के जो रेट्स हैं वो क्या होने जा रहे हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौजूदा बिल्डिंग मटेरियल के जो रेट्स हैं वो बताता चलूँ, और 1 जुलाई से जो रेट्स हैं चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो सरिये का रेट है वो 238 रुपये पर केजी सरिये का रेट है। इसके अलावा जो बजरी का रेट है वो 148 रुपये पर क्यूबिक फीट बजरी का रेट है सरगोधा प्लांट की। इसके अलावा जो ईंटों का रेट है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, तकरीबन 2000 रुपये 1000 ईंट के पीछे रेट बढ़ा है, क्योंकि बारिशों का मौसम स्टार्ट होने जा रहा है और पिछले दिनों बारिशें हुई भी हैं, जिसकी वजह से जो भट्टे हैं वो बंद हो जाएंगे और जो ईंटों का रेट है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तकरीबन अभी जो अच्छी ईंट का रेट है वो कम से कम 14,500 रुपये में आप लोगों को 1000 ईंट मिलेगी, और आने वाले कुछ दिनों में ये रेट 15,000 से 16,000 तक भी पहुंचने के चांसेस हैं। इसके अलावा कल 1 जुलाई है, अगर आप लोग जो पेट्रोल का रेट है अगर वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली आप लोगों के जो मटेरियल के रेट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को सीमेंट का रेट बता दिया, सीमेंट का रेट है जो वो पर बैग जो चल रहा है वो अभी तक 1100 रुपये पर बैग चल रहा है। कई लोग हैं वो 1150 रुपये में भी पर बैग बेच रहे हैं, इसके अलावा 1100 में भी सेल हो रहा है, और कई जो दुकानदार हैं जहाँ पे सीमेंट नहीं अवेलेबल होता जिन इलाकों में, वो 1200 रुपये का भी एक बैग सेल कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके रेट्स बढ़ते हैं तो ये बिल्डिंग मटीरियल के जो रेट्स हैं वो मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो रेत का एक ट्राली होती है वो पिछले दिनों जो आज से एक महीना पहले उस ट्राली का रेट था 10,500 रुपये, और आज उस जो ट्राली का रेट है वो 14,500 रुपये तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल के रेट्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। तो कल 1 जुलाई है, अगर जो रेट्स पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो बढ़ती हैं, उनके रेट्स बढ़ते हैं, तो जो बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स हैं वो बढ़ेंगे। जो ईंट का रेट है वो तो बढ़ने ही बढ़ना है, क्योंकि उसका जो चांसेस हैं वो तो बारिशों का मौसम, आगे आने वाले दिनों में बारिशें हो रही हैं और ईंट का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर अभी भी आप लोगों के इलाके में ईंट आप लोगों को अवेलेबल है, मिल रही है, तो आप लोग अपने घर पर ईंट है जो वो स्टॉक कर लें, क्योंकि आने वाले जो दिनों में ईंट का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ने जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।